नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस शिक्षाप्रद कहानी से आप सभी अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप सबका सहयोग की जरूरत है। कहानी पूरी सुने, कहानी को बीच से छोड़ करके मत जाएं, क्योंकि कहानी मात्र 5-6 मिनट की है, ज्ञान से परिपूर्ण है। पूरा कहानी सुने एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आप लोगों के सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, एक ही गुण सारे दोषों को नष्ट कर देता है, यानी गुण ही महान होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे केतकी, भले तू सांपों का घर है, फलहीन है, कांटों वाली है और टेढ़ी है, कीचड़ में उगी हुई है और तू तक कठिनाई से पहुंचा जा सकता है, फिर भी सुगंध के कारण तू सबकी प्रिय है, सबके मन को मोह लेती है। निश्चय ही एक ही गुण सारे दोषों को नष्ट कर देता है। आशय यह है कि केवड़े के वृक्ष में सांप रहते हैं, फल भी नहीं लगते हैं, वह टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, उसमें कांटे भी होते हैं, वह उगता भी कीचड़ में ही है और उस तक पहुँचना भी आसान नहीं होता है। इतनी कमियां होने पर भी अपने एक ही गुण सुंदर गंध के कारण केवड़ा सभी को प्रिय होता है। ठीक कहा गया है कि एक ही गुण सारी कमियों को छिपा रखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जवानी, धन, संपत्ति की अधिकता, अधिकार और विवेकशीलता और हीनता, इन चारों में से प्रत्येक बात अकेले ही मनुष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। किंतु यदि कहीं ये चारों इकट्ठे हो, अर्थात मनुष्य युवा भी हो, उसके पास पैसा भी हो और वह अपने इच्छा अनुसार काम करने वाला भी हो, अर्थात उसके काम में से टोकने वाला भी कोई न हो और फिर दुर्भाग्यवश उसमें विचार बुद्धि भी न हो, तो मनुष्य के विनाश होने में एक पल भी नहीं लगता है। अतः संपन्न होने पर मनुष्य को विवेकशील भी बने रहना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के विनाश का सामना न करना पड़े। जीवन गर्त में चला जाता है। परोपकारम याम जागृत हृदय सताम नश्यंत विस्ते श्याम संपदा अश्रु पदे पदे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिनके हृदय में परोपकार की भावना होती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है तथा पग पग पर संपत्तियां प्राप्त होती रहती है। आचार्य चाणक्य के अनमोल वचन है, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जो मेहनती है वे कभी गरीब नहीं हो सकते, और जो लोग भगवान को हमेशा याद रखते हैं उनसे कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग से जगा हुआ व्यक्ति हमेशा निडर होता है। नसीब के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, और ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त भी नहीं लगता है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। आलसी मनुष्य का न तो वर्तमान का पता होता है, न भविष्य का ही ठिकाना होता है। ऋण और शत्रु रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और हो सके तो इन्हें हमेशा समाप्त ही रखना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मांस भक्षण सभी के लिए बुरा है। ज्ञानियों को संसार का भय नहीं होता, विज्ञान के द्वीप से संसार का भय भाग जाता है। सब कुछ नश्वर है, पाप पुण्य का हेतु शरीर कृमि मलमूत्र का पात्र है, जन्म मरण आदि से दुखी है, अतः जन्म मृत्यु से पार होने का प्रयत्न करना चाहिए। तप से स्वर्ग प्राप्त होता है, क्षमा करने वाले का तप बढ़ता है, क्षमा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। झूठी गवाही देने वाला नरक में गिरते हैं, छिपकर किए गए पापों के 5 महाभूत हैं। अपने किए हुए पाप व्यक्ति की आत्मा बता देती है, व्यवहार से ही आचरण जाना जाता है, आचरण के अनुसार ही मुखमंडल हो जाता है। चोरों एवं राजपुरुष से अपने धन की रक्षा करो, खोज खबर लेने वाले राजा प्रजा को प्रसन्न रखते हैं। अपनी प्रजा की खोज खबर न लेने वाला राजा उस प्रजा को नष्ट कर देता है। न्यायी राजा को प्रजा माँ समझती है, प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा इस लोक में सुख भोग करके स्वर्ग प्राप्त करता है। अहिंसा ही धर्म का लक्षण है, साधु पुरुष अपने शरीर को दूसरी की भलाई में ही लगा देते हैं,
ऐसा चाणक्य जी कहते हैं। कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर के कार्य को प्रातः कल ही कर लेना चाहिए। व्यवहार के अनुसार ही धर्म है। जो संसारिकता का अनुभवीय ज्ञात होता है वही सर्वत्र होता है। शास्त्र जानने वाला यदि लोक व्यवहार नहीं जानता तो वह मूर्ख के समान होता है। समस्त वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान करना ही शास्त्र का उद्देश्य होता है। कार्य ही तत्व ज्ञान मार्ग प्रकाशित करते हैं। व्यवहार में पक्षपात नहीं करना चाहिए। धर्म से भी व्यापार बड़ा है। आत्मा व्यवहार की साक्षी है, आत्मा साक्षी है, झूठी सच्ची गवाही नहीं देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति हृदय की बात को छिपाकर कुछ और ही बोलता है। बुद्धिमान व्यक्ति पिशाच के समान होता है। मार्ग में अकेला नहीं जाना चाहिए। पुत्र की स्तुति नहीं करनी चाहिए। सेवकों को स्वामी की प्रशंसा करनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में भी स्वामी को ही श्रेय देना चाहिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसा आज्ञा हो वैसा ही करना चाहिए। बुद्धिमानों का कोई शत्रु नहीं होता। अपनी कोई गुप्त बात कभी प्रकट न करें। क्षमाशील व्यक्ति अपनी प्रशंसा प्राप्त कर लेता है। आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें। साहसी पुरुषों की कार्य प्रिय होता है। आए घर हुए अतिथि को जितना हो सके उतना सम्मान देना चाहिए। जग में दी गई हवन सामग्री कभी बेकार नहीं होती। बुद्धि भ्रष्ट होने पर शत्रु मित्र जैसा दिखाई देने लगता है। लालची बुद्धि होने पर रेगिस्तान भी जल जैसा ही दिखाई देने लगता है। बुद्धिहीनों को निकम्बे की शिक्षा देने वाली पुस्तकें अच्छी लगती है। सत्संगत स्वर्ग में रहने के समान है। आर्य लोग दूसरे को भी अपने ही समान मानते थे। गुण रूप के ही अनुसार होते हैं। जहाँ सुख मिले वहीं स्थान अच्छा है। विश्वासघाती की मुक्ति कभी नहीं होती। दुर्भाग्य पर दुख नहीं करना चाहिए। सज्जन दूसरे के दुख को अपना जैसे ही मानते हैं। हंसों को शमशान में अच्छा नहीं लगता। मनुष्य धन के लिए बदल जाता है। संसार आशा द्वारा बांधा जाता है। केवल आशा रखने वाले के साथ लक्ष्मी नहीं ठहरती। अधिक उम्मीद वाला होने मात्र से धैर्यशील नहीं हो सकते। गरीबी से मृत्यु अच्छी है। आशा लज्जा को दूर कर देती है। एकांत में माता के साथ भी न रहे। अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। धन से अंधा व्यक्ति ज्ञानियों की बात नहीं सुनता। पति ही स्त्रियों का परम देवता होता है। पति के अनुकूल व्यवहार करना दोनों को सुखी बनाता है। धन्यवाद दोस्तों।